हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 24 कैरेट किचन। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी बेकरी स्टाइल कुलचा, और मैं आपको दूसरा कुलचा बताऊंगी हर्ब्ड गार्लिक कुलचा विद अ ट्विस्ट। तो आइए देखते हैं हमें इसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। 250 ग्राम्स मैदा, हल्का गर्म पानी आटा लगाने के लिए, 1/2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 10 ग्राम्स ऑफ शुगर और 1 टेबलस्पून शुगर, 7 ग्राम्स फ्रेश ईस्ट और 1 टेबलस्पून ऑयल या फिर बटर। अब हम एक परात लेंगे डो लगाने के लिए। उसमें हम डालेंगे मैदा, चीनी, फ्रेश ईस्ट, सॉल्ट, मिल्क पाउडर, ऑयल, और अब हम इसको अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम हल्का गर्म पानी यूज़ करते हुए इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। हमें डो को इस तरह से मसल मसल के बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है, और आप देख रहे हैं हमें ऐसा डो तैयार करना है जो हथेली के देखिए चिपके, और अगर आप चाहें तो इसमें और पानी का यूज़ भी कर सकते हैं। अब जब हमारा डो तैयार है तो मैं इसे एक बोल में डालूंगी और मैं इसे कवर कर लूंगी क्लिंग विंग से। इसे कवर करने के बाद हमें इसे फर्मेंट होने के लिए 1 से 1.5 घंटा किसी गर्म जगह पर रख देना है। देखिए हमारा डो कितनी अच्छी तरह से फर्मेंट हुआ है, बिल्कुल बाउल के ऊपर तक आ गया है। अब हमें क्या करना है, हमारी फिंगर की मदद से इसको हमें पंच डाउन करना है और इसे हमें इकट्ठा कर लेना है। अब हम इस पर डस्ट करेंगे थोड़ा सा मैदा, या फिर आप ऑयल भी ले सकते हैं, और इसको मैं ऐसे गोल गोल करके इकट्ठा कर लूंगी। अब मैं हमारी डो को जो है मार्बल सरफेस पे ले लूंगी और इसको मैं अपनी हथेलियों की मदद से इस तरह से रोल कर लूंगी। उसके बाद मैं एक नाइफ की मदद से इसके बराबर बराबर पेड़े काट लूंगी। वैसे तो इसमें मार्केट जैसे 8 ही पेड़े बनेंगे, पर आप मर्जी के अनुसार इनको छोटे या बड़े भी कर सकते हैं। अब हमें हमारे कुलचे कुछ इस तरह से बेल लेने हैं। इसे बेलने के बाद मैं इसे एक ट्रे पे रख दूंगी जिस पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट करा है। इसी तरह से मैं अपना दूसरा कुलचा भी बेल लूंगी। अब हमें हमारे कुलचों को ढकना है एक हल्के गीले कपड़े से, और इसे हमें फर्मेंट होने के लिए रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। और हमारे कुलचे फर्मेंट होके तैयार हैं। अब मैंने रखूंगी हमारी बेकिंग ट्रे पे, जिस पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल जो है वो ब्रश कर लिया है। फिर हमें इन्हें बेक कर लेना है 200 डिग्रीज पे 5 to 7 मिनट्स के लिए। नेक्स्ट अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इन कुलचों को पैन में कैसे सेक सकते हैं। ये पैन में भी बहुत अच्छे सेकते हैं। हमारा पैन यहाँ पे गर्म हो चुका है और हम इस पे अब डालेंगे हमारा कुलचा। इस तरह से हम कुलचे को दोनों तरफ से सेक लेंगे। अब हम तैयार करेंगे हमारे गार्लिक हर्ब्ड कुलचा। उसके लिए हम पहले यहाँ पे कुलचा बेल लेंगे। बेलने के बाद हम दोनों कुलचों को 10 से 15 मिनट फर्मेंट होने के लिए रख देंगे।
गार्लिक हर्ब कुलचा बनाने के लिए हमें चाहिए रोजमेरी, ड्राइड रोजमेरी मैंने यहाँ पे ली है, फ्रेशली चॉप्ड बेसिल लीव्स, आप इसकी जगह ड्राई बेसिल लीव्स भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेशली मिंस्ड गार्लिक, और हमने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून बटर। अब मैं सबसे पहले हमारे कुलचे पे डालूंगी फ्रेशली चॉप्ड बेसिल लीव्स और मैं इसे बेलन की मदद से थोड़ा सा रोल कर लूंगी। अब मैं हमारे गार्लिक में मिक्स करूंगी हमारा मेल्टेड बटर और इसे मैं एक ब्रश की मदद से हमारे कुलचे पे अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दूंगी। लास्टली मैं इस पे डालूंगी थोड़ी सी रोजमेरी और इसी तरह हम हमारा दूसरा कुलचा भी तैयार कर लेंगे। और इन्हें मैं अब डालने वाली हूँ हमारी बेकिंग ट्रे पे और हम इनको बेक करेंगे 200 डिग्रीज पे 5 to 7 मिनट्स के लिए। और हमारे दोनों तरह के कुलचे यहाँ पे बिल्कुल तैयार हैं, देखिए कितने अच्छे बने हैं ये। आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए क्योंकि घर के बने हुए कुलचे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ये बिल्कुल शुद्ध और शाकाहारी हैं। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।